तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, दिन रविवार का है, तारीख है 9 अक्टूबर 2022 और आज का रविवार बेहद ही विशेष है क्योंकि आज शरद पूर्णिमा का पवित्र दिन है। तो आज रात को हम खीर का प्रसाद बना करके उसको छत पर रख देते हैं ताकि जो अमृत वर्षा निरंतर पूरी रात्रि चंद्रमा के माध्यम से होगी वो उस खीर में समाहित होगी और फिर हम प्रातःकाल उसको प्रसाद रूप में प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा यदि कमजोर है, व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, एकाग्रचित्त नहीं होता, मेमोरी लॉस उसको बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये जो प्रसाद है ये सर्वोत्तम मानी गई है। तो रविवार जो है ये हमारे नियमित दर्शक जानते हैं, नवीन दर्शकों के लिए हम बतला दें कि रविवार को हमारा ये विशेष कार्यक्रम होता है ताकि दो तरफा संवाद हम कायम कर सकें। आपके कमेंट्स, आपकी जिज्ञासाएं, आपकी समस्याएं, आपके अभिवादन हम आज इस कमेंट्स के माध्यम से शामिल करते हैं और आज ये हमारा साधना सिद्धि चैनल पर प्रसारित हो रहा है और ऐसा ही कार्यक्रम हम अल्टरनेट रविवार पर आचार्य चंद्रकांत चैनल पर भी प्रसारित करते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो बिना किसी देरी किए कमेंट का सिलसिला प्रारंभ करते हैं और पहला ही जो कमेंट है ये प्रीत कौर जी ने लिखा है और आपने लिखा है, आचार्य चंद्रकांत जी प्रणाम, मंथली राशि फल देना भी स्टार्ट करें गुरु जी प्लीज। बिल्कुल प्रीत कौर जी, आपकी ये जो रिक्वेस्ट है ये हम टीम के साथ में डिस्कस करेंगे और देखते हैं। दरअसल हमें जो गूढ़ एस्ट्रोलॉजी है या ऐसे जो उपाय हैं जो जन सामान्य के जीवन को बेहतर बनाते हैं उससे ही थोड़ा समय नहीं मिल पाता है, पर हम प्रयास करेंगे इस प्रकार का राशिफल प्रारंभ करने का। तो बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। अगला जो कमेंट है ये अर्चना सिंह जी ने लिखा है, जय श्री कृष्णा आपने लिख भेजा है। तो अर्चना सिंह जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला जो कमेंट है ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं, थोराट दीप्ति जी, और आपने हर हर महादेव लिख भेजा है। तो दीप्ति जी, महादेव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप अपनी दीप्ति को, अपने प्रकाश को पूरे जग में फैलाएं, ऐसी हम महादेव से प्रार्थना करते हैं। और अगला जो कमेंट है ये कॉमेडी अड्डा इस आईडी से आया है और आपने लिखा है, ग्रह प्रवेश किस दिन कर सकते हैं सर रेंट पर? देखिए, रेंट पर यदि आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं और बार बार यदि आपके साथ में ऐसा होता है कि बहुत थोड़े समय में ही आपको घर परिवर्तित करना पड़ता है, पड़ोसी के साथ में या जो मकान मालिक है उसके साथ में यदि मनमुटाव हो जाते हैं, तो आप एक प्रयोग केवल करके देखिए कि शनिवार के दिन आप संध्या काल के पश्चात घर को शिफ्ट करें तो वो आपको लंबे समय तक आप उस घर में रह सकते हैं और उस घर से जब आप प्रस्थान करेंगे तो अपने स्वयं के घर में ही आप प्रवेश करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, अगला जो कमेंट है ये दलबीर कौर जी ने लिख भेजा है और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सी। तो दलबीर जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट ये हमारे बड़े ही नियमित दर्शक हैं, शकुन शरण जी है और आपने लिख भेजा है कि आदरणीय आचार्य जी सादर प्रणाम, आपके बहुमूल्य विचार व सही निर्देशन अग्रिम ही मिल जाता है तो बहुत लाभ प्राप्त होता है, सभी कुछ सही समय से हो जाता है, आपके आशीर्वाद से पल पल अभिभूत रहूं ऐसी कामना करते हैं, अनंत कोटि नमन, चरण स्पर्श व चरण वंदन स्वीकार कीजिए, आपकी अति कृपा होगी। शकुन जी, बहुत साधुवाद आपका इस कमेंट के लिए, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। साथियों, अगला कमेंट शशि सिंघल जी लिखती हैं और आपने लिखा है, धन्य धन्य सर। शशि जी, हमारे लिए धन्यवाद का सबसे अच्छा और शांति प्रदाता जो रूप है वो यही है कि यदि आपके जीवन में 1% भी सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है,
बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। साथियों अगला कमेंट मोहक केशानिया जी का है और आपने लिखा है, आदरणीय आचार्य जी आप सदैव शुभ कार्य में प्रवृत्त होते हैं, आपकी निस्वार्थ गौ सेवा दूसरों के लिए भी प्रेरणा है। मोहक जी हम प्रयास करते हैं और इसी प्रकार के जो सामूहिक प्रयास है उससे हम किसी भी समस्या से, किसी भी बुराई से निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ही हम निरंतर करते रहते हैं अपनी तरफ से जो भी हो सकता है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका इस सराहना के लिए। और अगला जो कमेंट है ये उत्तम पंड्या जी ने लिखा है, जय माता दी। तो उत्तम पंड्या जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है और इस कमेंट के लिए भी आपको साधुवाद है। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगला जो कमेंट है ये जसबीर जी ने नमस्कार लिख भेजा है, तो जसबीर जी आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट अविप्रो शक्ति जी लिखती है, गुरु जी प्लीज यू मेक अभिमंत्रित धागा फॉर पीपल। बिल्कुल इस बारे में हम विचार करेंगे और इसको निर्मित करने का प्रयास भी करेंगे। जिस प्रकार से हम अभिमंत्रित जल बनाते हैं और वो आपकी कुंडली के आधार पर ही होता है और रोग निवारण के लिए उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला कमेंट है ये भी हमारे बड़े ही नियमित और सम्मानित दर्शक हैं, प्रेमलता पंवार जी, आपने लिखा है, गुरु जी सादर प्रणाम, आपके द्वारा बताए गए उपायों से जीवन बहुत ही सरल हो गया है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमलता जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट काका मेहरा जी ने लिखा है, मेरी माँ से मेरा संबंध ठीक नहीं है, मेरा उनसे झगड़ा होता रहता है, मैं रात को 2:13 का जन्म समय है मेरा। देखिए आप एक कार्य करिए, आप चंद्र आराधना करिए। चंद्रमा जो है वो माता का कारक है, तो चंद्रमा जब भी आपको दिखाई देता है सोमवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। कच्चा दूध और जल मिक्स करके आप चढ़ाइए और उसके पश्चात तो ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें, आपके संबंधों में मधुरता शीघ्र ही आ जाएगी। साथियों अगला कमेंट खुशबू शुक्ला जी ने लिखा है, गुरु जी राधे राधे। खुशबू जी आप इसी प्रकार से पूरी दुनिया में अपने प्रेम स्नेह की शांति की खुशबू फैलाएं, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। और अगला कमेंट हर्षिता श्रीवास्तव जी ने लिखा है, प्राण प्रतिष्ठित माला कहाँ मिलेगी। हर्षिता जी प्राण प्रतिष्ठित जो माला है वो आप हमारे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। साथियों अगला जो कमेंट है ये मुकेश वर्मा जी ने नमस्कार लिख भेजा है, तो मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगला जो कमेंट है ये दीप्ति ससमाल जी ने लिख भेजा है, प्रणाम गुरु जी, हर एक एपिसोड देखती हूँ, जय शनिदेव। तो दीप्ति जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला जो कमेंट है ये अल्ट्रा गॉड इस आईडी से आया है, ध्वजा मंदिर में चढ़ा देना है कि मंदिर के ऊपर लगवाना है प्लीज। मंदिर के ऊपर लगवाएंगे तो इसका बहुत जल्दी और शीघ्र आपको परिणाम प्राप्त होगा। और अगला कमेंट निशांत बाबा जी लिखते हैं, जय श्री राम। निशांत जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट अशोक सिंह अशोक जी ने लिखा है और आपने भी हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, तो अशोक जी आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। अगला कमेंट कुलविंदर कौर जी का है और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने लिख भेजा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलविंदर जी। अगला कमेंट रमेश जी ने लिखा है, जय हिंद, भारत माता की जय, जय बजरंग बली, गुरु जी प्रणाम। रमेश जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट जगदीश चौधरी जी ने लिख भेजा है, ग्रेट मैन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बहुत बहुत प्रणाम। जगदीश जी हम केवल प्रयास करते हैं और छोटे छोटे प्रयास ही हैं वो ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। आपने कमेंट किया, सराहना की, इसके लिए साधुवाद के आप पात्र हैं। और अगला कमेंट नीलम कटारा जी का है और आपने लिखा है, सर लेडीज 40 दिन तक कैसे करें प्लीज़ रिप्लाई। देखिए 40 दिन तक आप लगातार नहीं कर पाएंगे, पर जो 40 दिन काउंट करना है उसमें आप मासिक धर्म के दिनों को शामिल न करें और इसके साथ में आप जो 40 दिन है वो लगातार पूरे कर सकते हैं उनको माइनस करके। तो साथियों ये थे आज के हमारे सम्मानित दर्शकों के कुछ कमेंट्स, और जिन लोगों के कमेंट्स शामिल नहीं हो पाए उनको निराश नहीं होना है क्योंकि रविवार जो है वो माह में 4 आता है। तो इसी कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें, नमस्कार।